करेंगे। आप बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? उनको विकास से लेने देना ही है। बंटाधारी तो थे, घरों में सड़क की सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, गाड़ी खाई कोले अड्डा पसरा सारे बेड़े, याद आ गया शंकर भोले। अंग्रेजों का प्रदेश मध्य प्रदेश को बना के रखा था और आगे ये कुछ नहीं करने वाले। मेरे किसान भाइयों, खेती किसानी को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना। आगे और भी योजनाएं चलेंगी, कर्जे को भी रिव्यू करूंगा, चिंता मत करना। कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी आत्मा किसान में बस बसती है। और आगे जो काम करने वाला है, क्योंकि मेरी कई सभाएं आगे कई गांव में मुझे आया, क्या अभी भी कई गरीबों के कच्चे मकान है पीएम आवास में नाम छूट गए? सही बात है कि नहीं? और इसलिए उनके लिए बना दी मैंने सीएम लाडली आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। अभी अभी फॉर्म भर गए होंगे, आवेदन भरे गए। अब अगला मेरा कदम होगा, जिनको आवास नहीं मिले, कच्चे घर में गरीब है, उनको पक्का मकान बना के लिए राज्य शासन पैसा देगा। ना ना बने छोटा बन जाए, लेकिन पक्का तो बन जाए। और मेरी तो रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। बिजली के जिनके बड़े बिल आए उनको भी चिंता मत करना, गरीब निम्न मध्यम वर्ग की बड़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा, तुम्हारा भी 100 रुपया महीने ही आएगा। जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरे बेटा भी कह रहे थे आई लव यू, और छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में बैठे बैठे कहते हैं मामा ओ मामा, अभी दौड़ रहे थे जरा जरा से बच्चे मामा मामा। ये नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, ये तो ये जानते कि दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है। शिक्षा में अमूल परिवर्तन करेंगे हम। सीएम राय जिस बना रहे हैं, यहाँ कहाँ कहाँ बन रहे हैं? दो बन रहे हैं अभी, नलखेड़ा और सुसनेर। एक स्कूल की भी कितने रुपया की है? केवल बिल्डिंग 35 करोड़ रुपया की, 35-36 करोड़। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ लखपति अरबपति करोड़पतियों के बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनसे बेहतर सरकारी स्कूल बना के दूंगा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए। गरीब के बेटा बेटी ढंग से शिक्षा प्राप्त करे, वहां लैब लाइब्रेरी स्मार्ट क्लास प्ले ग्राउंड बस लेने जाएगी, बस छोड़ाएगी। और राणा साहब, रोडमल नागर जी, जिलाध्यक्ष जी, सुसने विधानसभा में दो बन रहे, 8 और कुछ 10 सीएम राइज स्कूल बन गए हम। और इसलिए हर 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल, बस जाएगी, बस लाएगी, बस छोड़ेगी। कांग्रेस ने कितना कबाड़ा किया, बच्चों की शिक्षा ऐसी छोड़ दी बेहाल। मैं अपने बेटा बेटियों की व्यवस्था करता हूँ, साइकिल की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, लैपटॉप देता हूँ, लैपटॉप अच्छे नंबर लाओ बेटा बेटियों। और जो नंबर 1-2 आए हायर सेकेंडरी स्कूल में, उनका मामा स्कूटी भी दिलवाता है, स्कूटी। कई लोगों का क्यों मिलता, इसलिए कि जैसे माँ अपने बेटा बेटी कहती बेटा मिठाई दूंगी, चॉकलेट दूंगी, मान जा, मैं कहता हूँ बेटा पढ़ ले, मैं स्कूटी दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा। इस बहाने प्रेरित होकर आगे बढ़े मेरे बच्चे। और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई की पूरी फीस, अगर बच्चों का एडमिशन हुआ तो प्राइवेट में भी अगर हुआ तो फीस होती है 14-14 लाख रुपया। वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। कांग्रेस एक और पाप किया, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में शुरू कर दी, अंग्रेजी में। अरे गांव में हमारे बेटा बेटी अंग्रेजी जानते हैं क्या? ये षड्यंत्र था नेताओं के, अफसरों के, उद्योगपतियों के,
राजा दिग्विजय सिंह, सेठ कमलनाथ, इनके बच्चे पढ़े प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी में और आगे पढ़े और धन्नू बनना कल्लू बनना के यही रह जाए। मैंने अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू करवा दी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी आगे पढ़े। और अगली बार के लिए मेरे बेटा बेटियों, एक और लक्ष्य हमारा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर घर में एक रोजगार दूंगा। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, इसको मैं मंत्र बनाना चाहता हूं, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को तबाह नहीं होने देंगे। आज मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मुझे कई सभाओं में जाना है। अंत में मैं इतने कहना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस वो है जिसने एक एक करके सब योजनाएं बंद कर दी थी। जब इनकी 15 महीना सरकार आई, बेगा भारिया शहरी बहनों के खाते में पैसा डालता था, कांग्रेस ने बंद करवा दी। मेरी बहनों, संबल योजना बंद कर दी इनने। हम बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देते थे लड्डू के लिए बहनों के घर, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने छीन लिए थे। एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख, सामान्य मौत पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 4,000 देते थे कांग्रेसियों। तुमने तो अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 भी छीन लिए, 5,000 भी छीन लिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद, कन्या विवाह बंद, पैसे नहीं दिए, तीर्थ यात्रा बंद, कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा तक बंद करवा दी। अब मैं फिर तीर्थ ले जा रहा हूँ, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा बहनों और भाई को, हवाई जहाज। ये कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, मैं नहीं कह रहा इनके गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव जी जैसे लोग, ये बेईमान पार्टी है, चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी। इसके दोनों नेता अपने अपने बेटा बेटों को स्थापित करने में लगे हैं, लेकिन मेरे बेटा बेटी तो ये लाखों बच्चे हैं, लाखों, मुझे इनको स्थापित करना है। और इसलिए आज ससुरेल की इस पवित्र धरा पर आपसे निवेदन करने आया हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, अगर मैंने अच्छा काम किया है, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने अच्छा काम किया कि बुरा? एक बार बहने भी बता जोर से, और भाई भी, अच्छा काम किया कि बुरा? तो फिर ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए बीजेपी की सरकारें जरूरी है, और सरकार तब आएगी जब राणा विक्रम सिंह को आशीर्वाद देके आप अपना विधायक बनाओगे। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, राणा विक्रम सिंह जी को दे दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। सब तैयार है? तो मैं सिर झुका रहा हूँ, हाथ उठा के आशीर्वाद दे दें और मेरे साथ संकल्प लें कि हम तस्कर को नहीं जिताएंगे, कांग्रेस को नहीं जिताएंगे, हम राणा विक्रम सिंह को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। और अकेला मैं क्यों चुनाव प्रचार करूं, अकेला मैं क्यों चुनाव प्रचार करूं, बताओ आपको भी चुनाव प्रचार करना चाहिए कि नहीं? अरे इस चुनाव को जनता का चुनाव बना दो, बहनों निकलो, क्योंकि भाई है तो ही लाडली बहना है, नहीं तो लाडली भी नहीं रहेगी और बहना भी नहीं रहेगी। निकल पड़ो मेरी बहनों, निकलो रे मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, जाओ गाओ गाओ और कह दो कि फिर से हमको बीजेपी की सरकार, मामा की सरकार वापिस लाना है, और रेल की सुविधा से भी सुसनेर और आगर जिला जोड़ा जाएगा, चिंता मत करना। उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और आज खड़े होकर संकल्प होगा भारतीय जनता पार्टी को। मेरी बहनों, तुम भी खड़ी हो जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के राणा विक्रम सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।